कुछ एक्टर और एक्ट्रेस ऐसे होते हैं, चाहे वो टीवी पर नजर आए या ना आए, उनकी फैन फॉलोइंग में खासा कमी नहीं आती है। उन्हीं में से एक है विवियन दसेना, जिन्हें हमने मधुबाला एक इसके एक जुनून और साथ ही शक्ति अस्तित्व के एहसास जैसे धारावाहिक में देखा था। दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त विवियन दसेना की पॉपुलैरिटी में चार चांद लगा रहे उनके नए धारावाहिक को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। पर इसी बीच आपको बता दें कि विवियन दसेना का निधन हो गया है। जी हां दोस्तों, महज 45 वर्ष के कम उम्र में विवियन दसेना के निधन की खबरों ने हर किसी को हताश कर दिया है। बता दें कि विवियन दसेना ने बहुत ही कम धारावाहिक में काम किया है, पर जिस भी धारावाहिक में विवियन दसेना को देखा गया है, वो धारावाहिक हमेशा हमेशा के लिए दर्शकों के जेहन में बैठ चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि जब से ही विवियन दसेना के निधन की खबरें आ रही हैं, तब से लगातार फैंस उनकी अच्छी सेहत की कामना कर रहे हैं। बता दें कि तेरे लिए धारावाहिक आने वाला था कलर्स टीवी पर उसी के शूट के लिए विवियन दसेना ने हेवी वेट मार लिया था, और कहा जा रहा है कि इसके बाद उनकी हालत गंभीर हुई और उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, और वहीं हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया है। हालांकि किसी भी बड़े सेलिब्रिटी या फिर विवियन दसेना के फैमिली मेंबर में से किसी ने भी विवियन दसेना के निधन की पुष्टि नहीं की है, जिसके तौर पर ये माना जा रहा है कि विवियन दसेना का निधन नहीं हुआ है, बल्कि उनके निधन की झूठी अफवाहें पॉपुलैरिटी और साथ ही नए धारावाहिक की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए दी जा रही है। दोस्तों अगर आप इस तरीके की किसी भी जानकारी को देख कर विवियन दसेना के निधन की पुष्टि कर चुके हैं तो कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। हमारे इस वीडियो का बनाने का असली मकसद यही है। अगर आपने भी इस तरीके की किसी भी जानकारी को देखा या सुना है तो उस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।